है आपका आज फिर से हमारे चैनल पर और मैं आज आप लोगों के साथ हर्षवर्धन जो वर्धन साम्राज्य के एक बहुत महान शासक हुए उन पर आप चर्चा करूंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं इस बोर्ड पर मैंने जो लिखा है हर्षवर्धन कालीन राजनीति समाज और संस्कृति, यह बहुत विस्तृत हो जाएगा अगर एक बार में मैं इसके बारे में आपको बताऊं, इसीलिए इसे मैं दो भाग में आप लोगों के साथ में सामने रखूंगी दो भागों में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे कि हम जानते हैं प्राचीन भारत के इतिहास को अगर हम देखें, बहुत महान शासक हुए। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे शासकों के बारे में को पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, आजाद शत्रु, अशोक से लेकर के बहुत शासक आए, कुषाण आए, पुष्यमित्र आए, बहुत दक्षिण में जाए तो वहां बहुत सारे शासक आए। फिर हम गुप्त साम्राज्य में आए तो हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, समुद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त प्रथम हुए, तो बहुत लंबी लिस्ट है हमारे भारत की जो इतिहास है उसमें शासकों, योग्य शासकों के इतिहास का, उसमें एक है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन वर्धन वंश के एक महान शासक थे, पराक्रमी शासक थे। अगर वर्धन साम्राज्य की बात की जाए कि वर्धन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो बहुत बार लोग गलती से बोल देंगे कि हर्षवर्धन ने की थी, तो ऐसी बात नहीं है। हर्षवर्धन वर्धन वंश के थे, लेकिन इस वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे, ये पुष्यभूति थे। और वर्धन वंश कहां शुरू हुआ था, किस क्षेत्र में, तो ये पंजाब और दिल्ली के पास श्रीकंठ नाम का एक जनपद था, और वहीं पर एक छोटा सा प्रदेश था थानेश्वर, जहां पुष्यभूति ने छोटे से राज्य की स्थापना की थी, थानेश्वर। धीरे धीरे जो शासक हुए इसमें, उन्होंने अपनी अपने साम्राज्य अपने राज्य को बढ़ाने की का काम किया। और हम देखते हैं कि इस वंश में बहुत सारे शासक हुए, पुष्यभूति के बाद हम बात करेंगे, नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकरवर्धन, ऐसे शासक हुए। लेकिन प्रभाकरवर्धन इस वंश के वो शासक थे जिन्होंने पहली बार अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और पूरे अपने बल पे वो शासक बने। उनके ऊपर किसी का वरदहस्त नहीं था या किसी के संरक्षण में वो नहीं थे। तो इस तरह से प्रभाकर वर्धन के बाद हम देखते हैं उनके दो पुत्र थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और उनकी एक पुत्री थी राजश्री। तो इस तरह से संस्थापक पुष्यभूति थे और इस वंश के महान शासक, स्वतंत्र शासक प्रभाकर वर्धन से हम मानते हैं कि प्रभाकर वर्धन द्वारा एक स्वतंत्र राज्य की व्यवस्था की गई। हर्षवर्धन के शासन काल के बारे में हमारे पास जानकारी कैसे मिलती है? हम अक्सर हमारे सामने ये सवाल आता है कि हर्षवर्धन के काल या वर्धन साम्राज्य के बारे में जानकारी के कौन से साधन है हमारे पास। तो हमारे पास इस वंश के बारे में जानने में और खासकर हर्षकालीन शासन व्यवस्था, समाज, संस्कृति, धार्मिक स्थिति को जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, बहुत सारे स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं, उस पर भी हम लगे हाथ चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम अभी तक बहुत बार पढ़े भी होंगे वानभट्ट, जो राजा हर्ष का राजकवि था, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हर्षचरित, जिसमें उन्होंने हर्ष के बारे में बहुत कुछ लिखा।
क्योंकि वो राजकवि थे हंस के, तो स्वाभाविक सी बात है वो हंस के बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही लिखा होगा उन्होंने, लेकिन सारी बातें तो झूठी नहीं होगी, कुछ बातें सही है और कुछ कुए बारे में हम अनुमान लगा करके उस समय के बारे में बहुत सारी बातों को जान सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कादंबरी लिखा था, वो हंस के बारे में नहीं है, लेकिन जो भी है वो जो साहित्य है उसको पढ़ के हम उस समय के बारे में बहुत कुछ जानकारी पा सकते हैं। इसके अलावा हम यह भी जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो हमें जानना चाहिए कि ये जो हर्षवर्धन थे यह एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे, बहुत अच्छे लेखक थे, क्योंकि इन्होंने तीन तीन पुस्तकें लिखी। कौन सी पुस्तकें? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। एक राजा के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में इतना काम करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि राजा के पास तो हजार काम होते हैं, शासन संबंधी, देश विदेश से लेकर के युद्ध संधि से लेकर के बहुत सारे काम होते हैं। उसके बाद भी उन्होंने तीन ऐसी पुस्तकें लिखी जिसके कारण वह अन्य शासकों से बिल्कुल अलग और भी ऊंचे स्थान पे उनको हम रख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे आर्य मंजूश्री मूलकल्प, यह एक बौद्ध ग्रंथ है महायानियों की, और इसके द्वारा भी हम हर्ष के समय के बहुत सारी बातों को जान सकते हैं। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली तो मैंने जैसा कि बताया कि हर्ष ने लिखा है। बहुत सारे अभिलेख भी हैं जो हमें हर्ष के समय के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। उसमें हम देखते हैं बांसखेड़ा का अभिलेख जो शाहजहांपुर यूपी में है, मधुबन अभिलेख जो मऊ में है, ये भी उत्तर प्रदेश में है, और इसके बाद हम देखते हैं एहोल अभिलेख जो किसके द्वारा, किसके लिए लिखवाया गया था, पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य नरेश थे, और रवि कीर्ति ने एहोल अभिलेख को लिखा था, उसमें भी हर्ष के बारे में जिक्र है और हर्ष के बारे में हम उससे भी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बहुत ही खास, बहुत ही फेमस व्यक्ति चीन के वेनसांग, वो हर्ष के समय ही भारत आए थे और उन्होंने भारत में 16 साल रहकर जो देखा, जो सुना, जो समझा उसे लिखा। यह भी जो ये उनका यात्रा वृतांत है, यह भी हमें हर्ष के समय के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो हम समझ गए कि हर्ष कालीन सभ्यता, संस्कृति, राजनीति, समाज को जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, और उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि हर्ष के समय में हर व्यवस्था कैसी कैसे 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 होती थी। अब हम आते हैं हर्षवर्धन के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया, हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। उनके बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन। उनकी बहन का नाम था राजश्री। उनकी माता का नाम था यशोमती। हूणों से, जैसा कि हमने पिछले गुप्त वंश के बारे में जब पढ़ाया, जब गुप्त वंश के पतन के बारे में पढ़ा, तो हूणों, एक हूण जो एक जाति थी, उससे लड़ने के लिए दोनों भाई गए हुए थे। यानी कि इतने प्रतापी थे कि इन लोगों को इनके पिता ने हूणों से संघर्ष करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए भेजा था। इसी बीच हम क्या देखते हैं कि इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनके पिता की मृत्यु जिस दिन हुई, उसी दिन एक बहुत ही बुरी घटना या बहुत ही दर्दनाक घटना घट गई। क्या? कि हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, उसके पति जो मौखरी वंश के थे राजा गृहवर्मन, उनकी हत्या कर दी गई मालवा नरेश के द्वारा। यह बहुत ही दुखद बात थी। जब राज्यवर्धन ने यह सुना
कि मेरी बहन के पति को मालवा नरेश देवगुप्त द्वारा मार दिया गया, तो वह तुरंत देवगुप्त से बदला लेने के लिए चला गया और बहुत आसानी से उसने मालवा का जो शासक था देवगुप्त, जिसने गृह वर्मन की हत्या की थी, उसकी हत्या कर दी। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा राज्यवर्धन को, क्योंकि वो थे पराक्रमी थे, लेकिन विश्वासघात के द्वारा गौर नरेश शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। यह अपने आप में बहुत ही दर्दनाक घटना थी। एक बच्चे जिसकी उम्र मात्र 16 साल थी, उस समय उसके बड़े भाई की हत्या हो जाना, उसके पिता की मृत्यु हो जाना, उसकी बहन, उसके बहनोई की हत्या हो जाना, एक समय इतनी सारी बुरी घटनाएं घट गई किसके साथ? हर्ष के साथ, हर्षवर्धन के साथ। और वह बहुत ही विचलित हो गए, जो एक स्वाभाविक सी बात है। उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं राज सिंहासन पे नहीं बैठूंगा। उसके मन में बहुत क्या आग ये होने लगी, धड़कने लगी कि मैं किससे बदला लूं, गॉड नरेश शशांक को मारूं या देव मालवा नरेश से संघर्ष करूं, या हमारी बहन, उनकी जो बहन थी कन्नौज की, जो राजा थे, तो उसको कन्नौज के जेल में डाल दिया गया था, अपनी बहन को छुड़वाऊं। इस तरह विषम परिस्थिति से गुजरते हुए उन्होंने बहुत आग्रह के बाद 606 ईस्वी में राज सिंहासन स्वीकार किया। उस समय उनकी उम्र मात्र 16 साल थी। कहीं कहीं पता चलता उनका जो जन्म हुआ था 590 ईस्वी में हुआ था, और कहीं कहीं 591 ईस्वी में हुआ था। जो भी हो, 590 या 591 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उन्होंने 606 ईस्वी में जब उनका राज्याभिषेक हुआ, उस समय उनकी आयु 16 साल की थी, और बहुत ही विषम परिस्थिति में उन्होंने राज सिंहासन स्वीकार किया था। अब उनके सामने बहुत सारी चुनौती थी। पहली चुनौती, अपने भाई राज्यवर्धन के हत्यारे शशांक को से बदला लेना, उनकी बहन जो कन्नौज के जेल में थी उसे छुड़वाना। इसके लिए वो आगे बढ़े, और ऐसे समय में उनका जो ममेरा भाई भांडी था, जिसे उन्होंने अपना सेनापति भी बनाया, वह उसका साथ देने वाला था। उसने तुरंत शशांक से बदला लेने के लिए कन्नौज की तरफ हर्षवर्धन आगे बढ़े। कन्नौज जो शशांक उस पे अपना अधिकार करके बैठा था, उसने क्या किया, कारागार से उसकी बहन को मुक्त कर दिया और खुद वहां से भाग गया। जब हर्षवर्धन वहां पहुंचे कारागार, कन्नौज के कारागार में, वहां राजश्री उसे नहीं मिली। राजश्री ने क्या किया, वो बहुत दुखी थी, उसके पति की हत्या हो गई थी, वह दुखी होकर विंध्याचल पर्वत की तरफ चली गई थी, और वहां उसने चिता बना करके अपने आप को आत्मदाह करने के लिए तैयारी उसकी चल रही थी। ऐसे समय में हर्षवर्धन को पता चला, उनके भाई ने बताया कि अरे मैंने राजश्री को देखा वहां पे, किसी से पता चला कि वो उधर जा रही थी। बेचारा हर्षवर्धन शशांक को छोड़ के पहले अपनी बहन को ढूंढने गया, किसी तरह अपनी बहन को ढूंढ करके वो निकाला, लेकर के आया, और उसे कहा कि कन्नौज के सिंहासन पर तुम बैठो। लेकिन उसकी बहन राजश्री बहुत दुखी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी, वह बहुत ही दुखी थी, और उसने इस बात से इनकार कर दिया कि नहीं, मैं कन्नौज के राज सिंहासन पे नहीं बैठ सकती। कन्नौज के राज सिंहासन पे तो वो नहीं बैठी, लेकिन जो हर्षवर्धन थे उन्होंने तत्काल कन्नौज के शासन व्यवस्था को देखा। यह अलग बात है कि बाद में कन्नौज पर भी, कन्नौज को उन्होंने अपनी राजधानी बना लिया और कन्नौज भी उनके शासन के अंतर्गत आ गया, उनकी बहन के बहुत अनुरोध पर, बहुत अनुनय विनय पर। तो इस तरह से शशांक का बदला, शशांक तो वहां से चला गया था। उसके बाद कहा जाता है कि उसने वल्लभी, जो वर्तमान में गुजरात का क्षेत्र में, वहां पे वल्लभी था, वहां पे उसने आक्रमण किया और वहां के शासक को हरा दिया। वो वहां से भागकर भड़ौच के
राजा दद्ध के पास चला गया, वहां का शासक दद्ध था। चूंकि भड़ोचित बहुत छोटा सा राज्य था, बहुत बड़ा राज्य नहीं था, और उसे डर था, उसे हर्षवर्धन जैसे पराक्रमी राजा का भय था, लेकिन दद्ध को बहुत सारे छोटे छोटे राज्य सहायता दिए हुए थे, और इसी कारण उसने वल्लभी नरेश को संरक्षण दे दिया। लेकिन यहां पर हर्षवर्धन ने कूटनीति दिखाई और बाद में वल्लभी नरेश को जो है उसका राज्य दे दिया, उसे तो भाग गया था वो, और वहां अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और एक प्रकार से एक अच्छे संबंध वल्लभी से उसने बना लिए। सिंध से युद्ध किया, सिंध भी एक छोटा सा राज्य था, उससे भी युद्ध किया, उसे भी हारना पड़ा। पुलकेशिन द्वितीय, अगर उत्तर भारत में कहा जाता है, वेनसांग ने लिखा था कि पांच भारत उसके अंदर थे, पांच भारत यानी कश्मीर, पंजाब, पूरा उत्तर भारत का जो उत्तर प्रदेश है वहां से लेकर के विंध्याचल ये नर्मदा नदी तक, वो वल्लभी, इधर बंगाल, बिहार, ये सारा उत्तरा पथ अगर हम कहें तो वह हर्षवर्धन के अंडर में था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दक्षिण की तरफ चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का शासन था, और वह भी दक्षिण की तरफ का वैसे ही पराक्रमी शासक था जिसे हर्षवर्धन ने सोचा कि उसे भी परास्त किया जाए, और उन दोनों में के बीच भी युद्ध हुआ। ये अलग बात है कि पुलकेशिन द्वितीय जीत गया और हर्षवर्धन हार गए। तो इस तरह से पुलकेशिन द्वितीय से भी युद्ध हुआ। कांगोद विजय, कहा जाता है कि शशांक से जो युद्ध होना था, गौर नरेश शशांक से जो युद्ध होना था वह प्रत्यक्ष वैसा नहीं हो पाया, शशांक तो भाग गया था, लेकिन 619 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी, और उड़ीसा, गंजाम, ये कांगोद, ये सारे क्षेत्र, ये सारे जो शशांक के अधीन थे वह हर्षवर्धन के पास आ गए। इस तरह हम देखते हैं छत्र श्रीवास्तव भी जो है इनके अधीन थे, मालवा को भी इसने परास्त किया, वल्लभी, उज्जैन, वैराट, इन सभी क्षेत्रों को उन्होंने, उनसे युद्ध हुआ, और बहुतों को उन्होंने युद्ध करके पुनः छोड़ दिया, उसे करस्थ राज्य बना दिया गया कि वो टैक्स दे। इसके अलावा हम देखते हैं कि उन्होंने चीन से भी वैदेशिक संबंध स्थापित किए। तो इस तरह से कहा जाए तो पूरे उत्तर भारत में किसी न किसी रूप में हर्षवर्धन ने उसे अपने हाथ में कर लिया था, भले प्रत्यक्ष शासन ना हो, लेकिन उसे जीत के पुनः उसी को देकर के और अप्रत्यक्ष रूप से वह उसके अधीन हो गया। तो इस तरह से विजय अभियान में जो हर्षवर्धन इतनी विषम परिस्थिति से में खड़ा हुआ और उसने इतने बड़े क्षेत्र को किसी न किसी रूप में अपने अधीन कर लिया, यह उनकी पराक्रम को दर्शाता है। अब हम बात करेंगे उनकी शासन व्यवस्था। हम देखते हैं कि 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक उसने शासन किया, मतलब कि लगभग 40-41 साल शासन हुआ हर्षवर्धन का। तो स्वाभाविक सी बात है, जब इतना लंबा शासन हुआ उन्होंने किया तो शासन व्यवस्था बहुत अच्छी रही होगी, सब कुछ बहुत सुव्यवस्थित रहा होगा, और इसी कारण इतना लंबा समय तक इन्होंने उत्तर भारत को यानी उत्तरापद को अपने अंदर, अपने अधीन रखा। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राचीन काल में क्या होता था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती थी, राजा हुआ करते थे राज्य के, यहां भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था ही अपनाई गई थी, और राजा जो था वह सर्वे सर्वा था राज्य का। हम देखते हैं कि हर्षवर्धन के काल में जो राजाओं ने जो उपाधि धारण की, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परम देवता, ऐसे ऐसे उपाधियों से उन्होंने अपने आप को सुशोभित किया। उनके पास बहुत सारे अधिकार थे, असीमित अधिकार, लेकिन राजा
को हमेशा जन कल्याण की पड़ी रहती थी, जन कल्याण के लिए वो सबसे आगे रहते थे। उन्होंने अशोक की तरह भ्रमण किया, प्रजा के बीच में वो वेश बदल करके जाते थे या विभिन्न आयोजनों पर वो प्रजा के सामने होते थे और प्रजा के सुख दुख, प्रजा की आवश्यकता क्या है उससे वो नजदीकी संबंध रखते थे और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए वो बहुत ही आगे रहते थे। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि हर्षवर्धन ने प्रजा कल्याण को प्रमुखता दी थी। जैसा कि हम जानते हैं, कल्याणकारी राजा की तरह उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं की व्यवस्था की, सरायों की व्यवस्था की, धर्मशालाओं की व्यवस्था की, जो भी आवश्यकता है प्रजा को उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किए। कभी उन्होंने मजदूरों या गरीबों से बेगार लेने की बात नहीं कही। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण पद होते थे उन पर नियुक्ति करने के लिए राजा आगे बढ़ते रहते थे, लेकिन इन सब का जो मूल उद्देश्य था वह क्या था? प्रजा कल्याण। तो इस तरह राष्ट्रांतरात्मक व्यवस्था होते हुए भी राजा प्रजा कल्याण के लिए या जन कल्याण के लिए थी और हर्षवर्धन इसमें पूरी तरह से जो एक सही राजा कहा जाए वह साबित हुए। अब हम बात करेंगे उनके अंतर्गत बहुत सारे सम्राट थे, जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे क्षेत्रों को उन्होंने जीता, जीत करके उन्होंने फिर से उन्हें सुपुर्द कर दिया, तो वो सम्राट थे। इसके अलावे वो सम्राट जो थे वो इनके प्रति जिम्मेवार थे, उत्तरदायी थे। इनकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद हुआ करती थी जिसमें सचिव या आमात्य होते थे, बहुत सारे विभागों के मंत्री होते थे, चाहे वो युद्ध और संधि के लिए महासंधि विग्रहिक हों, चाहे वो सेना को संभालने के लिए मंत्री हों, तो हर क्षेत्र में बहुत सारे मंत्री होते थे। मैं कोशिश करूंगी कि इसे लिख करके उसमें डाल दूं कि आपको पता चले कि कौन कौन से मंत्री क्या क्या कहलाते थे, क्योंकि अगर मैं इसे एक्सप्लेन करने लगूंगी यहाँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बहुत सारे सचिव होते थे, पूरे देश को बहुत सारे प्रांतों में बांटा गया था, शासन सुव्यवस्थित हो, आसानी से चले, इसके लिए पूरे देश को जो भागों में बांटा गया था, प्रांत जिसे कहते हैं उसे भुक्ति कहा जाता था, भुक्ति। और इस भुक्ति के जो हेड होते थे वो राजस्थानी कहलाते थे या उपरी कहलाते थे, जो राजा के बहुत ही करीब होते थे और राज्य प्रांतों के कहिए तो वो हेड होते थे। उनके पास भी मंत्री होते थे, उन मंत्री के अंतर्गत कर्मचारी होते थे, अधिकारी होते थे, तो इसके द्वारा शासन सुव्यवस्थित तरीके से चलाया जाता था। इसके अंदर भुक्ति के अंदर जिला होते थे, जिला को विषयपति कहते, जिला के जो हेड होते थे उसे विषयपति कहते थे, जिला के नीचे पथक या पाठक होते थे जिसके हेड जो होते थे, जो उसका उस वहां का हेड तहसील कहा जाता था, और उसके नीचे जो है ग्राम होते थे और उसके जो हेड होते थे ग्रामाक्ष पटलिक कहा जाता था। तो इस तरह हम देखते हैं ग्राम, ग्राम के ऊपर पथक, जिला, भुक्ति, मंत्रिपरिषद, राजतंत्र, ऐसी व्यवस्था थी जिससे बहुत ही तरीके से शासन व्यवस्था चलाई जा रही थी। दंड विधान की हम बात करें तो दंड विधान कठोर था, जैसा दंड जैसी सजा वैसा दंड था, छोटे मोटे दंड के लिए हल्का फुल्का जुर्माना था, लेकिन राजा के लिए राज्य के लिए कोई विरोधी कदम उठाता था तो उसके लिए बहुत ही कड़े दंड की व्यवस्था की गई थी, आजीवन कारावास, मृत्यु दंड जैसी व्यवस्था थी। जब
कोई ऐसी बहुत गलत काम कर रहा, कोई व्यभिचार कर रहा, उसके लिए भी बहुत कठोर सजा थी। बहुत बार देश निकाला या जंगल भेज देने की भी व्यवस्था थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसा अपराध वैसा ही दंड, और अगर कहा जाए तो दंड भी कठोर होते थे, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि अपराध भी होते थे उस समय, क्योंकि वेनसांग ने भी लिखा है कि एक बार रास्ता में उसे लूट लिया गया था, उसके सामान मामान को लूट लिया गया था। एक बार उन्होंने लिखा कि एक बार उनको पकड़ के बलि देने की भी व्यवस्था की जा रही थी, लोग बलि देने जा रहे थे। तो बहुत सारे अपराध होते थे, और इन अपराधों को देखते हुए दंड की भी अच्छी खासी व्यवस्था की गई थी। अब हम बात करेंगे राजस्व। इतना बड़ा राज्य, उसे चलाने के लिए राजस्व की आवश्यकता है, क्योंकि जनता टैक्स देगी तभी तो पैसा आएगा और हम विभिन्न मदों में खर्च करेंगे। तो हम देखते हैं कि राजस्व भी तीन प्रकार के होते थे, भाग, बलि, हिरण्य, तीन तरह के होते थे। भाग जो है वह उपज का 1/6, कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि 1/10 लिया जाता था। कहने का अर्थ यह है कि टैक्स बहुत कम था, लोगों पर टैक्स का भार बहुत कम था। इसके अलावा हम देखते हैं कि व्यापारी हो या जो उद्योग धंधे लगाए हुए हों, जो एक दूसरे राज्य में जाते हैं व्यापार करने के लिए, सड़क का प्रयोग कर रहे हैं, नहर का प्रयोग कर रहे हैं, नदियों का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें भी चुंगी देना पड़ता था। बहुत बार राजाओं को बहुत तोहफा या उपहार मिलते थे, एक प्रकार से वो भी राज्य की इनकम कहे जा सकते थे। बहुत बार जो जुर्माना लिया जाता था वो भी राज्य के कोष में ही जाते थे, और इन सब से राज्य में जो खर्च है उसकी पूर्ति होती थी। राज्य के जो आय जो आते थे, जो इनकम था, उसको भी व्यय करने के लिए चार भाग बनाया हुआ था। पहला भाग क्या था, जिसमें राज्य के लिए पूजा उपासना में जो खर्च होता था, या राज्य के कल्याण के काम में कुआं खुदवाना है, सड़क बनवाना हो, या और भी जो ऐसे कल्याणकारी काम हो राज्य का, उसमें जाता था। दूसरा जो भाग था वह कर्मचारियों को वेतन देने में जाता था। तीसरा जो भाग था वह विद्वानों को पुरस्कार देने के काम में आता था। चौथा जो भाग था वह पुण्य का काम करने के लिए किया जाता था, दान किया गया इस संप्रदाय को, उस धर्म को, उसके लिए चैत्य बनाया गया, विहार बनाया गया, मंदिर के लिए दान दिया गया। तो इस तरह जो आय थे उसके व्यय के भी चार मुख्य जगह थे जहां पे आय को खपत किया जाता था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर क्षेत्र को राजा के द्वारा देखा गया था कि किस तरह से हर क्षेत्र का कल्याण हो, और इसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। अब हम बात करेंगे सेना की। तो सेना का जो हेड होता था वो रण कहा जाता था, नागरिक कहा जाता था, और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि हर्ष के समय में बहुत विशाल सेना थी, बहुत ही विशाल सेना, जिसमें कहा जाता है लगभग 6,000 हाथी थे, 1,00,000 अश्वारोही थे, पैदल सैनिक थे। इसके अलावा बहुत सारे जो उनके अधीनस्थ शासक थे उनके भी सेना आवश्यकता पड़ने पे इनके साथ आ जाती थी। बहुत सारे ऊंट भी थे इनकी सेना में। इनकी सेना जो थी और जो सैनिक थे बहुत ही दक्ष थे, बहुत ही योग्य लोगों को बहुत तरह की परीक्षाओं को क्लियर करके, आज की तरह की परीक्षा उनका भी जो टेस्ट होता है उसको क्लियर करने के बाद ही वो सेना में भर्ती होते थे। राजा के अंगरक्षक होते थे जो बहुत ही तीव्र बुद्धि वाले, जो एकदम चौकन्ने रहने वाले, साथ ही साथ जिन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने में एकदम फुल्ली निपुण हो, उन्हें उस पद के लिए रखा जाता था राजा के अंगरक्षक के रूप में, जो पूरी तरह से योग्य हो, मतलब सेना का जो गुण होता है वो पूरी तरह से इसमें हो, उन्हें ही अंगरक्षक के रूप में रखा जाता था।
और जो भी उनकी उनके जो अस्त्र थे उसके लिए भी एक जगह होता था, वहां के भी अधिकारी होते थे, उनके जो अस्त्र शस्त्र थे उसको सही रखने के लिए और उसकी व्यवस्था करने के लिए बहुत सारे कर्मचारी थे। हाथी घोड़े जब सेना में है तो उन हाथी घोड़ों को भी देख रेख करने के लिए बहुत सारे कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी। सैनिकों के खान पान वेतन ऐसी जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए जो अधिकारी होते थे वह दृढ़ प्रतिज्ञ रहते थे, उनको किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। इस तरह हम कह सकते हैं उनकी सेना विशाल के साथ साथ बहुत दक्ष थी, जो किसी भी आपातकाल की स्थिति में या किसी युद्ध में राजा को भाग लेना है उसके लिए हमेशा तैयार रहती थी। हमेशा तैयार रहने के लिए उन्हें उन पर पूरा ध्यान देना होता था। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हर्षवर्धन थे उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को इतना सुव्यवस्थित बनाया था, इतना सिस्टमैटिक बनाया था कि कोई भी क्षेत्र में अव्यवस्था की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो इस तरह से हर्षवर्धन काल की शासन व्यवस्था हो या उनका विजय अभियान हो बहुत ही खास है, और इसे आप पूरा देखिए, बढ़िया से समझिए, और इसका अगला चैप्टर जो होगा समाज और संस्कृति के बारे में उसे भी ध्यान से देखिएगा, तो हर्षवर्धन के काल को, हर्षवर्धन के समय को पूरी तरह से समझने में हमें आसानी होगी। धन्यवाद।